नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में इस टाइप के प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस टाइप के प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं दोस्तों एग्जाम में, उस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह है कहाँ दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले दोस्तों आपको बता दूं, सारे प्रश्न दोस्तों आप देखने से पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे आप लगा पा रहे हैं कि नहीं, इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद दोस्तों मैं जब सॉल्व करता हूं तब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर कह रहा है, देखिए नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि ये दोस्तों एक श्रृंखला है, ये सीरीज दी गई है और यहाँ पे दोस्तों एक संख्या गायब है और यहीं पे आपको बताना है कौन सी होगी। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, देखिए 60 है सीरीज के संख्याओं, क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, 60 है, उसके बाद से 69, 69 उसके बाद से 85, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद से 146 है, वो 146 है, ठीक है, ये चीज दिया है ना। अब देखेंगे दोस्तों ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है। देखिए 60 से दोस्तों क्या हुआ है, 60 से 69 हुआ है, यानी कितना आगे बढ़ा है दोस्तों, 9 बढ़ा है। 69 से दोस्तों 85 है, यहाँ पे कितना बढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे 16 बढ़ा है। उसके बाद क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह है और उसके बाद से 146 है, ठीक है, ये चीज दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैसे आप सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या देखना है, कितना बढ़ा है दोस्तों, पहले बार 60 से 69 हुआ, 60 से 69 हुआ कितना बड़ा, 9 बड़ा, 69 से दोस्तों 85 हुआ तो कितना बड़ा, 16 बड़ा। ये 9 दोस्तों क्या है, ये 9 दोस्तों 3 का स्क्वायर है, ये 16 दोस्तों क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। आगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे कितना का स्क्वायर बढ़ेगा, 5 का स्क्वायर बढ़ेगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 85 में दोस्तों 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 में दोस्तों 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110, ठीक है। अब 110 से दोस्तों 146 होगा, तब कितना किसका स्क्वायर बढ़ेगा, 6 का स्क्वायर बढ़ेगा, 36, तो 110 में दोस्तों 36 जोड़ेंगे तो 146 होगा कि नहीं, हाँ होगा। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरे जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 110 हो जाएगा। 110 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस देखना है कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, कितना बढ़ा दोस्तों, यहां पे 16 बढ़ा, फिर कितना बढ़ेगा दोस्तों, 25 बढ़ेगा, ठीक है, फिर कितना बढ़ेगा दोस्तों, 36 बढ़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 5 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 6 का स्क्वायर बढ़ा। तो यहां से दोस्तों 5 का स्क्वायर यानी 25 बढ़ेगा 85 में, तो 110 हो जाएगा और 110 में दोस्तों जब 36 बढ़ेगा तो 146 होगा, तो भरी जाने वाली संख्या 110 हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, यदि 6 हैज 8 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तथा 5 हैज 12 इज इक्वल टू 13 हो, तो 9 हैज 40 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि 9 है 40 बराबर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है दोस्तों। जब ऐसे प्रश्न आए तो क्या किया जाता है, पहले आप दोस्तों देखेंगे इसमें 6 हैज 8 ये बराबर 10 कैसे आया है, 5 हैज कैसे आया है, 5 हैज का दोस्तों सिंबल है, ठीक है, 5 है, हैज का सिंबल है, 12 है बराबर 13 कैसे आया है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, 9 हैज 40 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कैसे आएगा, ठीक है, ये चीज पूछ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे कैसे आया है। यहाँ पे दोस्तों 6 और 8 को हम क्या करेगी, 10 आ जाए, ठीक है, 6 और 8 को क्या करेगी, 10 आ जाए, 5 और 12 को क्या करेगी, 13 आ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे सोचेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जो दोस्तों मैं बोलूं
छः का स्क्वायर करिए, छः का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36, फिर बोलूँ दोस्तों 8 का स्क्वायर करिए, ठीक है 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है 36 और 64 को दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा, ये 100 दोस्तों किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा तीसरे का स्क्वायर के बराबर, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है 5 का स्क्वायर दोस्तों बोलूं तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस दोस्तों 12 का स्क्वायर बोलूं तो क्या हो जाएगा 12 ब्रह्म 144 होता है, 25 और 144 दोस्तों जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 169 क्या होता है दोस्तों, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर तीसरे का स्क्वायर, यानी कि बराबर हो रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लास्ट वाले की भी वैल्यू निकालेंगे, लास्ट वाले की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 81 हो जाएगा, अब प्लस 40 का दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, यानी 1600 हो जाएगा, तो टोटल इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1681 हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 1681 होगा, और 1681 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 41 यानी कि 41 का स्क्वायर है, 41 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा दोस्तों 41 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है इस टाइप के प्रश्न, तो इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करना है दोस्तों आपको वीडियो को पॉज करके अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद दोस्तों मैं सॉल्व करता हूं तब आपको देखना है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए 5 युग्मों में से 4 किसी एक प्रकार से संबंधित हैं, असंगत युग्म को चुनिए, यानी कि दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए, देखिए 5 युग्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसमें 4 दोस्तों एक जैसे हैं एक अलग है, उसी अलग को पहचान करके बताना है कि कौन सा अलग है, तो इसका संबंध दोस्तों कैसे आप देखेंगे कैसे संबंधित है, जैसे दोस्तों 2 7 से संबंधित है, कहने का मतलब है 1 0 से है, 3 26 से है, 4 का संबंध 65 से है, 5 का 124 है, अब इसमें दोस्तों देखना है कि किसका संबंध अलग है, ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 का संबंध दोस्तों 7 से दिखा रहे ना, कहने का मतलब है दोस्तों ये 2 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 4 × 8, लेकिन लिखा क्या है दोस्तों 7 लिखा है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस क्या करेंगे दोस्तों 1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ठीक है, चलिए 1 का क्यूब दोस्तों करेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, ये भी सही है। तीसरा है दोस्तों 3 का संबंध 26 से दिया है, तो 3 का दोस्तों क्यूब करेंगे, किसका क्यूब करेंगे, 3 का दोस्तों क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब होता क्या है 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 3 = 9 × 9 = 27, क्या हो जाएगा दोस्तों 27, और 27 में से दोस्तों 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26, यानी 3 का संबंध 26 से दिया है, यह भी सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, 4 का संबंध 65 से दिया है, तो 4 का क्यूब दोस्तों होता क्या है, 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 × 4 × 4, यानी कि 4 × 16 = 64, क्या होगा दोस्तों 4 × 16 = 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 63, यानी कि 63 होगा, लेकिन यहां लिखा क्या है दोस्तों 65 लिखा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहां पे दोस्तों क्या लिखा है 65, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, और पांचवा ऑप्शन को आप देखेंगे दोस्तों 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 5 का क्यूब का मतलब क्या होगा, 5 × 5 = 25, 125 हो जाएगा, और 1 माइनस कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, और 124 दिया हुआ है, यानी पहला संख्या का क्यूब करके दोस्तों उसमें से 1 घटा दे रहा है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम इसमें क्यूब किए 4 का क्यूब किए दोस्तों तो क्या हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64, और 64 में से 1 माइनस किए तो हो गया 63, यहां पे दोस्तों 65 की जगह होना चाहिए था 63, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा ऑप्शन अलग हो जाएगा अन्य के अपेक्षा, तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये चौथा लिखा है ना, यहां पे ऑप्शन दिया गया, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा किस में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है चौथा, इस प्रकार से तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा, ठीक है,
इस तरह से भी आपको देखना है, ठीक है। चौथा किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों कोई सा भी एग्जाम देंगे, चाहे आप रेलवे SSC UP SSC या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ईबुक को लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत ₹150 रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र ₹25 मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, और इस टाइप के प्रश्न भी हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, प्रश्न पढ़ लीजिए और अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए, स्टॉप कर दिया करिए, उसके बाद क्या करेंगे अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर क्या होगी दोस्तों सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, जिससे दोस्तों आप पेपर में आपको हेजिटेशन नहीं होगा, किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होगी, और प्रश्नों को पेपर में भी आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। तो पहले अपने आप से भी कोशिश करते रहना है और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या है कहाँ, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया जाता है, अगर जो इस टाइप का फिगर आए और आपके सामने पूछ दे कि लुप्त संख्या क्या होगी, तो इसके लिए दोस्तों हम संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्या कैसे चल रही है। देखिए 9 है, 9 के बाद क्या है दोस्तों 11 है, 11 के बाद दोस्तों 13 है, अब 13 के बाद देखिए दोस्तों 90 हो गया, 90 के बाद 132 हो गया, यानी कि 13 के बाद ये संख्याएं डायरेक्ट इतना बढ़ रही है, तो यानी कि ये अंतर अब नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे कि 9 2 11 11 2 13, ठीक है 2 तो चल रहा है, लेकिन 13 के बाद 90 हो गया, 90 के बाद 132 हो गया, जब ऐसे दिखने लगे तब आपको क्या किया जाता है दोस्तों, अगर जो अंतर समान चले तब तो हम आगे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इतना अंतर डायरेक्ट जब दिखने लगे, 90 के बाद क्या हुआ, 13 के बाद 90 हो गया, 90 के बाद 132 हो गया, तब क्या किया जाता है दोस्तों, आमने सामने संख्याओं को देखा जाता है। कहने का मतलब है 9 के सामने दोस्तों क्या है, 9 के सामने है 90, यानी कि 9 9, ठीक है 9 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और 81 में दोस्तों हम 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये किया क्या है दोस्तों, 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 9 कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है दोस्तों, आगे 11 है, 11 के सामने क्या है दोस्तों, 132 है, तो 11 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो क्या होगा, 121, और 121 में दोस्तों 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 132, यानी कि 132 हो जाएगा। ये कर क्या रहा है दोस्तों, जो संख्या है उसका स्क्वायर करके उसी संख्या को उसमें जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो अब किसके सामने पूछ रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके सामने क्या है दोस्तों, 13 है, तो दोस्तों क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169, और प्लस दोस्तों 13 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 182, 182 हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा, 182 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों क्यूब करके वही संख्या जोड़ देता है, कभी कभी 2 गुना कर देता है, 3 गुना कर देता है, ठीक है ऐसे कर रहा है। ये प्रश्न किस टाइप का है दोस्तों, जो संख्या है उसका स्क्वायर करके वही संख्या उसमें जोड़ दे रहा है, आ गया, जो संख्या है उसका स्क्वायर करके वही संख्या उसमें जोड़ दिया, आ गया, जो संख्या है
उसका स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दिया तो 182 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न, ठीक है, और ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद दोस्तों मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 7 + 2 = 59, 5 + 3 = 28, तो 5 + 4 = क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आया तो आपको करना क्या चाहिए, पहले देखना चाहिए 7 + 2 = 59 कैसे लिखा है, 5 + 3 = 28 कैसे लिखा है। और तो दोस्तों जैसे ये 7 + 2 = 59 लिखा है, 5 + 3 = 28 लिखा है, उसी प्रकार से दोस्तों 5 + 4 की हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जो दोस्तों मैं बोलूँ 7 2 आप जोड़िए तो 59 नहीं होगा, 7 में गुणा करिए, कुछ भी करिए, ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है, 59 नहीं आने वाला है। तब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 7 + 2 = 59 है, ठीक है। देखिए एक बार लिख के समझाता हूं, 7 + 2 = क्या है दोस्तों, 59। एक बार क्या करिए दोस्तों, आप 7 में से 2 को घटाइए, 7 में से आप 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। एक बार क्या करिए दोस्तों, 7 में 2 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ये मिलके क्या हो गया दोस्तों, 59 हो गया, समझ रहे हैं ना क्या कर रहा है। देखिए एक बार और समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बेसिक समझिए। एक बार दोस्तों क्या करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये पहला 5 आ जाएगा, फिर दोस्तों क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है, यानी 59 हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों सेकेंड वाले को देखेंगे, 5 में से दोस्तों 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 5 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और ये मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, 28, ठीक है। अब लास्ट वाले का आंसर क्या होगा, आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। देखिए ये 5 में एक बार क्या करेंगे दोस्तों, 4 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। एक बार दोस्तों क्या करेंगे, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 + 4 क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। 19 किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो दोस्तों आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। दोस्तों आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जहाँ दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ के वहाँ जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन का है। तो मैथ में आपको दोस्तों थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहां पर प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहां पर प्रेस करके फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप, उस ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा दोस्तों, यहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ये इस टाइप से दिखने लगेगा। जब दोस्तों ये इस टाइप से दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।